क्वेश्चन नंबर 2.21 अब हम देख रहे हैं. ओके, क्वेश्चन में गिवन है टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, मतलब एक डाइपोल लोकेटेड एट पॉइंट 0, 0, -a. ओके, और 0, 0, a रेस्पेक्टिवली. व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट 0, 0, z एंड xy, 0. तो यहाँ पर हमको बहुत इजीली हम इसको समझ सकते हैं. अगर ग्राफिकली इसको 3D में हम विजुलाइज करें तो यहाँ पर हमारे पास में x एक्सिस होगा, y एक्सिस होगा, z एक्सिस होगा. ये है हमारा z एक्सिस. ओके, ये है हमारा z एक्सिस और यहाँ पर हमने एक xy प्लेन कंसिडर किया है. ओके, हमने xy प्लेन कंसिडर किया, ठीक है. और यहाँ पर हमने एक माइनस 0, 0, -a पर एक चार्ज माइनस क्यू रख रखा है और एक चार्ज प्लस क्यू हमने रख रखा है 0, 0, a पर. ये जेड एक्सिस है और ये है xy प्लेन. ओके, इस xy प्लेन को हम थोड़ा सा ब्लू कलर में बना लेते हैं तो आपको और थोड़ा सा विजुलाइज हो जाएगा. दिस इज़ द xy प्लेन. ये ब्लू कलर का प्लेन जो है दैट इज़ द xy प्लेन. ओके, इट इज़ द xy प्लेन. ओके, जहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एग्जिस्ट करती है. और अगर हम फर्स्ट पार्ट सॉल्व करें 0, 0, z, है ना, अगर हम इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं और अगर हमको फाइंड करना है किसी पॉइंट 0, 0, z पर पोटेंशियल, है ना, ए वाला पार्ट हम सॉल्व करते हैं, ए का फर्स्ट पार्ट. ओके, तो हम पोटेंशियल फाइंड कर रहे हैं 0, 0, z पर. ओके, तो माइनस क्यू से उसका डिस्टेंस हो जाएगा माइनस क्यू. ओके, हम यहाँ पर लिख देते हैं के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय जेड जेड प्लस ए. कितना डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, कितना हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा जेड प्लस ए प्लस क्यू चार्ज के कारण, पॉजिटिव चार्ज के कारण. पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा के क्यू डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा जेड माइनस ए. कितना हो जाएगा जेड माइनस ए, क्योंकि यहाँ से डिस्टेंस जेड है और ये डिस्टेंस, तो दिस डिस्टेंस इज जेड माइनस ए. ओके, इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो वी इक्वल टू हमको मिलेगा, हम यहाँ से के क्यू कॉमन ले सकते हैं और हमको मिलेगा 1 - 1 z + a + 1 - z - a. ओके, तो दिस वी इज इक्वल टू के क्यू जेड माइनस का हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए प्लस जेड प्लस ए, है ना, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ऐसा हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. जेड से जेड कैंसिल कर देंगे हम तो वी इज इक्वल टू आएगा, ये टू हो जाएगा, तो 2 k q a डिवाइडेड बाय जेड स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. ओके, तो ये हमारा पोटेंशियल आया. ओके, इसी का अगर हम सेकंड पार्ट सॉल्व करें x, y, 0, मतलब xy एक्सिस पे, xy प्लेन पर कोई पॉइंट हमने लिया है x, y, 0, तो यहाँ पर दोनों, यहाँ पर हम ग्रीन कलर लेते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा. अगर हम नेगेटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखें, नेगेटिव चार्ज से अगर हम इस पॉइंट का डिस्टेंस देखें और पॉजिटिव चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस देखें, ओके, तो कितना होगा. अगर हम r की बात करें तो वो होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, दोनों सेम ही होगा, ये आर वन और ये आर टू दोनों सेम ही होगा, तो पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल होगा के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय आर. ओके, और प्लस प्लस के क्यू डिवाइडेड बाय आर अल्टीमेट जीरो. ओके, ये एक इक्विपोटेंशियल प्लेन होगा, हमको सिंपली यहाँ पर लिखना है पोटेंशियल, पोटेंशियल एट एक्स वाई प्लेन इज इक्वल टू जीरो. पोटेंशियल कितना होगा एक्स वाई प्लेन पर, जीरो होगा. तो यहाँ पर ए पार्ट का, यहाँ पर हमें बी पार्ट समझ में आता है. बी पार्ट पे क्वेश्चन है ऑब्टेन द डिपेंडेंसी ऑफ पोटेंशियल ऑन डिस्टेंस आर ऑफ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन व्हेन आर इज वेरी लेस देन ए एज कम्पेयर टू दी वन. एक थोड़ा सा इसका डेरिवेशनल पार्ट है जो हमको समझना पड़ेगा. ओके, हमारे पास में एक डाइपोल है,
ओके यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है और यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो है 2a, क्योंकि जो मिड पॉइंट है O उससे डिस्टेंस AA है। ओके तो अगर हमने कोई रेंडमली पॉइंट यहाँ पे कंसिडर किया P पॉइंट, ओके और माइनस चार्ज से उसका डिस्टेंस हमने कंसिडर किया है R2 और प्लस से उसका डिस्टेंस हमने कंसिडर किया है R1, ओके और जो सेंटर पॉइंट है उससे डिस्टेंस हमने कंसिडर किया है R, जो कि क्वेश्चन में R यहाँ गिवन है। ओके अगर हम पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट करें, पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय आर वन, और नेगेटिव चार्ज का पोटेंशियल कैलकुलेट करें तो वो होगा के क्यू माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर टू। ओके अगर हम टोटल पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास में वी होगा पॉजिटिव माइनस प्लस नेगेटिव, तो के क्यू डिवाइडेड बाय आर वन माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय आर टू, तो वी इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू इन द ब्रैकेट आर टू माइनस आर वन डिवाइडेड बाय आर वन आर टू। ये तो हमको समझ में आता है, पर यहाँ पर सबसे समझने वाला बात यह है कि अगर इफ दिस आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए, मतलब आर बाई ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन वन, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, अगर ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा तो ये एंगल अगर थीटा है, ये वाला एंगल भी थीटा होगा, ये एंगल भी थीटा होगा, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि आर वन इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेट इक्वल टू आर टू, क्योंकि ये ए जो है वो बहुत छोटा है, और अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे उसके लिए हमको यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा। इसको थोड़ा सा मैं एक ग्राफिकली अलग से डायग्राम बनाकर आपको समझा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 2a, यहाँ पर माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे क्योंकि एंगल थीटा है, तो ये जो डिफरेंस होगा, ये डिफरेंस होगा, यहाँ से डिस्टेंस है r2, यहाँ से डिस्टेंस है r1, तो डिफरेंस कितना होगा, ये डिफरेंस होगा r2 माइनस r1, और ये इस ट्राइंगल का बेस है क्योंकि ये परपेंडिकुलर ड्रा है, तो इस ट्राइंगल का बेस मतलब R2 माइनस R1 का वैल्यू हो जाएगा 2a साइन सॉरी कॉस थीटा, कितना हो जाएगा 2a कॉस थीटा, और R1 को अप्रोक्सीमेट हम R2 के बराबर, क्योंकि a इज़ वेरी लेस देन, सो दीज आर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू R, अप्रोक्सीमेट इक्वल टू R, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन में चेंजेस होगा वो के क्यू आर टू माइनस आर वन का वैल्यू हम लिख देंगे 2a cos थीटा, ओके 2a cos थीटा, और r1 into r2 लिख देंगे r स्क्वायर, जो प्रोडक्ट है उसमें r स्क्वायर लिखना है, और सब्ट्रैक्शन में, क्योंकि सब्ट्रैक्शन को जीरो नहीं लिख सकते, आप ऐसा क्वेश्चन माइंड में आ सकता है कि सर सब्ट्रैक्शन को आपने जीरो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अगर आप r1 इक्वल टू r2 कर सकते हैं तो वो तो जीरो ही आएगा, पर वहाँ पर हमको जीरो नहीं लिखना क्योंकि आंसर ही जीरो आ जाएगा, इसलिए हमको सब्ट्रैक्शन जो वैल्यूज हैं है ना वहाँ पर ध्यान रखना है। सो वी इज इक्वल टू नाउ बिकम 2a k q cos थीटा डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, तो उसने पूछा है ऑब्टेंड डिपेंडेंसी, दैट इज द पोटेंशियल ड्यू टू द डाइपोल, ये फार्मूला हमारे पास में आया, पर उसने पूछा व्हाट इज द डिपेंडेंसी, तो यहाँ से डिपेंडेंसिटी हमको समझ में आ रहा है कि 1 बाय r स्क्वायर, ओके क्या होगा 1 बाय r स्क्वायर, आंसर उसका क्या है, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल और पोटेंशियल ड्यू टू दिस पॉजिटिव पेयर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। ओके तो दैट इज द सॉल्यूशन ऑफ बी, और सॉल्यूशन ऑफ सी बहुत ईजी है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि व्हाट इज द वर्क डन टू मूव स्मॉल टेस्ट चार्ज फ्रॉम दिस पॉइंट 5, इसके लिए हमको यहाँ पर आना पड़ेगा है ना, हम प्रीवियस सॉल्यूशन पे आते हैं, तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल की बात करें है ना, ये ए पार्ट को हमने सॉल्व किया था, वहाँ पर बात करें एक्स वाई प्लेन पर सब जगह पोटेंशियल जीरो है, तो सी पार्ट का आंसर जो होगा, सी पार्ट का जो आंसर होगा वी इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू जीरो होगा, क्योंकि इट इज़ इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ये 5,0,0 कहाँ, एक्स एक्सिस पर, और -7,0,0 कहाँ पर है, वो भी एक्स एक्सिस पर है, मतलब xy प्लेन पर, और xy प्लेन पर तो पोटेंशियल जीरो, तो वर्क डन आल्सो इक्वल टू जीरो, बहुत सिंपल है,
है ना। तो सी पार्ट तो बहुत इजी है, बी पार्ट एक डेरिवेशनल पार्ट है जो आपको थोड़ा सा लॉजिकली सोचना पड़ेगा, और ए पार्ट जो है वो भी एक लॉजिकल क्वेश्चन हमको बताता है। तो इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा आंसर है। ओके और इधर भी हमारा आंसर ये आया था, सॉरी गड़बड़ हो गई, ओके इसे हम हाईलाइट कर देते हैं, ये हमारा आंसर आया। ओके चलो ये नहीं हो रहा, पर हमारा आंसर आ चुका है, तो आप